क्वेश्चन है, लेट ए बी बी ए रड ऑफ लेंथ 4 यूनिट विद ए ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस, रड ए बी स्लैश ऑन एक्सिस इफ पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड द लोकस ऑफ पी इज एन एलिप्स, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है। ए बी एक रड है जिसका लेंथ 4 यूनिट है। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए 0 और बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0 बी। इसके बीच में पी एक ऐसा पॉइंट है जो P का कोऑर्डिनेट है एच के और ए 1 और 2 के रेशियो में कट करता है। तो P का कोऑर्डिनेट एच के एच के P का कोऑर्डिनेट एच के बराबर होगा 2 into a, सेक्शन फार्मूला के आधार पर 2a प्लस 1 into 0 मीन 0 बाई 1 plus 2 3, 2 into 0 मीन 0, 1 into b मीन्स बी बाई 3। इस प्रकार हम देखते हैं h इक्वल टू 2a बाई 3, यानी इससे हम देखते हैं कि a का वैल्यू 3h बाई 2 और b का वैल्यू 3k है। अच्छा, अब AB का लेंथ दिया गया है 4 यूनिट, A डिस्टेंस A है और A डिस्टेंस B है, A 90 डिग्री है। तो अगेन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इंप्लाइज A, ए मीन्स 3h बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी, बी मीन्स 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंप्लाइज। नाइन एच स्क्वायर बाई 4 प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 से डिवाइड करने पर बोथ साइड हमें आएगा 9h स्क्वायर बाई 1/16 का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 into 1/16 मीन 64 प्लस 9/16 के स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई 64/9 प्लस के स्क्वायर बाई
16 by 9 equal to 1. A, P एक लोक P तब दिखाता है कि एक एलिप्स है. HK को XY से रिप्लेस करने पर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा x स्क्वायर बाई 64 बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 बाई 9 इक्वल टू 1. ये हमें ये जो लोकस है जो एलिप्स बनाएगा उसका इक्वेशन ये हो गया. अब इसको हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम देखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 64 बाई 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 9 है. हम जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पर ई इसेंट्रिसिटी है. तो यहां पर हम देखते हैं कि बी का वैल्यू 16 बाई 9, 64 बाई 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. यानी 16 बाई 9 इंटू 9 बाई 64 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. 9 से 9 कैंसिल, ए से 4 टाइम्स कैंसिल. तो इस प्रकार हम देखते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां पे 1 बाई 4 है, इस तरफ जाएगा माइनस 1 बाई 4, यानी 3 बाई 4. तो ई बराबर हो जाएगा, इससे ई बराबर हो जाएगा √3/2. यही इसेंट्रिसिटी होगा एलिप्स का.